शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन बैंक जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा दिन है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, बिना समय गवाएं क्वेश्चन बैंक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं RRB जो भोपाल में 1994 में पूछा गया वहाँ से ले रहे हैं, कोलकाता में जो 1994 में पूछा गया वहाँ से, मुंबई, चंडीगढ़, फिर चेन्नई, भोपाल, अहमदाबाद और महेंद्र घाट, ये तीन चार जगह से हम क्वेश्चन, चार पांच जगह से ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों का हम अभी प्रश्नोत्तरी सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है, हम जवाब सवाल करेंगे, इधर से जवाब आएगा, जो नहीं पता होगा उसको हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे पहले है एक आप लोगों के लिए है, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया। सुनिएगा, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अभी और है इसमें, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कौन कहता है कि जॉब नहीं लगेगा। एक मैसेज आज ही आया था हमारे किसी वीडियो पे आया था कि आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है, ये सारी चीज़ें बेकार कर रहे हैं आप लोग। चलिए उनका भी बात हम लोग रख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उनकी बात को गलत सिद्ध करके दिखाएंगे। वो कमेंट हम रखे हुए हैं, हाइड करके रखे हुए हैं, वो दिखाएंगे आप लोग को किसी वीडियो में। एक Q&A सीरीज जिस दिन करेंगे उस दिन आपको ये कमेंट दिखाएंगे कि कैसे मतलब लिखा गया था। चलिए, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करने का काम करते हैं। आप लोगों से केवल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, केवल आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बस इतना ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है। चलिए शुरू करते हैं, रेडी हैं सर? चलिए बोलिएगा। चलिए आपका बंद करते हैं। चलिए पूछते हैं आपसे, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? आप लोग भी जवाब याद रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लाइन से दीजिएगा। ये वीडियो नहीं समझिएगा, ये समझिएगा कि वीडियो के साथ साथ हम आंसर भी दे रहे हैं, इससे आपका भी जीके मजबूत होगा। जो भी क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है, हम एक बार रिलेट किए हैं, एनालिसिस किए हैं, ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आ रहा है इसी सबसे क्वेश्चन आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उसी सबसे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग भी खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जब तक खुद से जवाब नहीं दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, राइट आंसर है 1972, ठीक है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? चोल वंश। ऑप्शन दे रहे हैं, चोल वंश, गंग वंश और दो तीन और है, दुइयों में बताइए। तो वो गंग वंश है जिन्होंने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, राइट आंसर है पद्मा नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग कैसे आंसर दीजिएगा, आप लोग जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं उस समय वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आंसर लिखिए, फिर वीडियो प्ले कीजिए। ये हम लोग वीडियो लंबा नहीं हो इसके लिए हम लोग तीव्र गति में ये सारी सीरीज को चलाएंगे, तीव्र गति में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। महाभारत, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस शहर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर। ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, जुड़वा शहर जिसको हिंदी में बोलते हैं। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम नहीं पता। महाभारत का जो प्राचीन नाम है उनका नाम जय संहिता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो वेद है कौन सा है, पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद है, ठीक है, राइट आंसर ऋग वेद हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, क्लियर। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण, मतलब किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तानसेन का असली नाम क्या है? जो जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो जो क्वेश्चन रिपीटेड होगा वो हम आपको इस वीडियो में जिक्र करते चलेंगे। बताइए तानसेन का जो असली नाम है वो क्या है उनका? नहीं पता, बताइए। तानसेन का जो असली नाम है राम तनु पांडे जी थे, ये नाम था। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने ईयर पुराना है? 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 1500 वर्ष, 2000 वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो का मंदिर, 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुफा किस राज्य में है? हाथी गुफा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। हाथी गुफा ओडिशा राज्य में है, हाथी गुफा ओडिशा राज्य में है। किसने बनवाया था? अशोक। नहीं,
हाथी गुफा को खार वेल ने बनवाया था जो कि ओडिशा में है। चलिए गोकक झरना कहाँ पे स्थित है, गोकक जो झरना है किस गांव में है स्थित और किस राज्य में स्थित है, गोकक झरना किस राज्य में स्थित है आप लोग कमेंट कीजिए। गोकक झरना जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, गांव हो गया बेलागावी गांव हो गया, ठीक है, बेलागावी जगह पे हो गया गोकक झरना स्थित है, किस राज्य में हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक में हो गया। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण किनके मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, SO2 और NO2, SO2 और NO2 के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, पर्ल एस बर्क। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक जो है पर्ल एस बर्क है, राइट आंसर पर्ल एस बर्क है। भारत की प्रथम जो युद्धक मिसाइल है वो उसका नाम क्या है, पृथ्वी। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है उसका नाम पृथ्वी, राइट आंसर है, उस पर एकदम कॉन्फिडेंस हो जाइए, पृथ्वी है तो है युद्धक मिसाइल, एक और है इसलिए आप कंफ्यूज हो गए ना, मतलब वो दूसरा है, ठीक है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, सामाजिक जो सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अकबर थे, जलालुद्दीन अकबर थे। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी और उस बैंक का नाम क्या है, SBI नहीं, आयात निर्यात बैंक जो है उसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में, एक EXIM नाम है, EXIM बैंक नाम है, IM वो बैंक नाम है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ, तो हमारे आजादी मिलने से एक वर्ष पूर्व हुआ था, मतलब बाद हुआ था 1948। चलिए आगे चलते हैं। RRB कोलकाता द्वारा 1994 में पूछा गया प्रश्न, जीके जीएस से जो भी प्रश्न पूछा गया है वो सारी चीजों को हम कवर करते चलते हैं, ठीक है, हम लोग 2022 तक जो भी RRB से पूछा गया प्रश्न है सभी को लेके चलेंगे। टोटल इसमें सेट है 1850 सेट है, 1850 सेट को भी हम जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, कौन मल था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा साथ ही साथ। लाइव कुछ ही दिनों में हम लोग लाइव का व्यवस्था कर रहे हैं, सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद लाइव भी आने का हम लोग प्रयास करेंगे, आप लोग लाइव जवाब दीजिएगा, हम लोग कमेंट के माध्यम से आपको देखते चलेंगे। चलिए अकबर का राजस्व मंत्री कौन है, तो टोडरमल है, कौन है अकबर का राजस्व मंत्री, टोडरमल है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, पहले भी हम लोग पढ़े थे, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, नहीं, लोहे का जो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, मुंबई। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने की थी, तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना जो है टांसले ने की थी, किसने की थी, टांसले ने की थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, ये बताइए, 1969 में किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसके बाद कितने बैंकों का, उसके बाद 9 बैंक, उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कुल मिलाकर अभी तक 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, लेकिन उसमें से पूरे बैंकों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करके मात्र 8 बैंक बचा हुआ है। चलिए आगे आते हैं, देश का सबसे ये हो गया है। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था और किसके सिफारिश पे किया गया था, तो संविधान सभा का गठन है किस वर्ष किया गया था, संविधान सभा का गठन 26 जनवरी 1900, गठन पूछ रहे हैं, इसका प्रारूप कैबिनेट सचिव जो इसके सिफारिश पे, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे किया गया था, ये किया गया था 16 मई 1946 ईस्वी को। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, कमेंट जल्दी कीजिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राइट आंसर राष्ट्रपति। ध्वनि को किसमें मापते हैं, ध्वनि को डेसिबल में मानते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये तो सबको पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गांधी जी का जन्म। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, कौन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, टाका नाम है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। आते हैं सीनेबार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क होता है, ठीक है। करो और मारो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, करो और मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। चलिए दिल्ली कब मतलब देश की राजधानी बनी थी, 1912 में, दिल्ली प्रस्तावित हुआ था 11 में लेकिन बनी थी 12 में बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है,
पेड़ का कटाव, मिट्टी के कटाव का पेड़, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है यानी मिट्टी क्षरण, मृदा क्षरण का मुख्य कारण है पेड़ का कटाव। ठीक है, चलिए हेलबिड का जो भव्य मंदिर है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेलबिड का जो मुख्य भव्य मंदिर है वो होय सलाव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चाय अत्यधिक किस मतलब किस मौसम में उपजता है? चाय ठंडी में, जहाँ पे सबसे ज्यादा ठंडी होगी उसी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होगा। कांच से गुजरने पर प्रकाश में कौन से रंग का जो है विचलन, यानी जो विचलन होगा मतलब की प्रकीर्णन, वो कम हो जाएगा? बैंगनी का। बैंगनी रंग का जो है लाइट का जो गति है वो स्पीड उसका कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आरआरबी मुंबई 1994 के प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, उस समय जो पूछा गया जो रेलवे द्वारा प्रश्न है उस पे आते हैं। जापान की करेंसी का नाम क्या है? येन। ठीक है, इससे पहले एक शायरी याद आ रहा है, थोड़ा बोल देते हैं। ठीक है, बोल दीजिए। कहा जाता है कि समंदर को बस इतनी सी बात खल गई, समंदर को बस इतनी सी बात खल गई, एक कागज की नौका मुझ पे कैसे चल गई। समंदर को घमंड था कि मतलब मुझ पे बड़े बड़े चीजें चलती है, लेकिन उसको इतनी सी बात खल गई कि एक कागज की नौका मुझ पे कैसी चल गई। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी जो मुंबई 1994 में पूछा गया, जापान की जो करेंसी है वो क्या है? ये सब पूछते रहता है, करेंसी पूछ देगा, राजधानी पूछ देगा, कभी कभी पूछते रहता है। तो चीन अभग्र का सबसे उत्पादक देश है। चीन जो है किसका सबसे मतलब सर तो बताइए, दिया बता दिए हैं तो इसको फिर से बता देते हैं। चीन जो है अभग्र का सबसे अभग्र ग्रेफाइट। ठीक है, सुने है नाम कहीं अभ्रक तो सुने हाँ अभ्रक है अभग्र वो अभ्रक का है सॉरी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? बेसिन की देश बताना है ना? हाँ, देश नहीं बताना, किन दो के बीच हुआ था? न पता। अंग्रेजों के बीच हुआ था और पेशवा के बीच हुआ था। ठीक है, और पेशवा के द्वारा मतलब ये संधि हुआ था। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अशोक। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू है असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? सतलज नदी। भाखरा नंगल परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया। कहाँ पे है? यूपी में है और लखनऊ में है। यूपी के लखनऊ में है ध्यानचंद स्टेडियम। और सब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम दिल्ली में कोटला स्टेडियम। नरेंद्र मोदी है। हाँ, नाम बदल गया नरेंद्र। चलिए टीपू सुल्तान किसका शासक था? टीपू सुल्तान डैश का शासक था, किसका था? मैसूर का शासक था। किसका था? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। इसे तो इजी में याद है। चलिए बटरफ्लाई संबंध किससे है? बटरफ्लाई का लिए बोल रहा था तुम। तैराकी से बटरफ्लाई का संबंध है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार की किस जगह पे? सासाराम में है। ठीक है, रंगा जो होता है, रंगा जिसको टंका बोलते हैं, किस दो धातुओं से मिलकर बना रहा होता है? दो मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है, बता दीजिए ना। वो टीन हो गया और शीशा हो गया। टीन और जो नहीं, जिसको अति शोल्डर आयरन पे मतलब जो तार की तरह होता है, जो गलता है, तार को चिपकाता है, वही है रंगा जिसको बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली मतलब पहला भारतीय कौन है? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पे स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में। नहीं, भारत की पहली राजधानी कौन सी, कौन है? दिल्ली से पहले मुंबई। दिल्ली से पहले मुंबई था। कोलकाता में स्थापित किया गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का
एशिया का रोशनी किसको कहा जाता है? गौतम गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बांदीपुर नहीं, बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। चलिए अब आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या सुनते हैं, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैली। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक में, गुजरात में है। गुजरात। सरदार बांध किस, सरदार जी का स्टैचू कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात में ही है, इसीलिए सरदार सरोवर उससे रिलेट कर लेंगे हम लोग। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जो पुरस्कार है किनको मिला था? तो वो मिला था, एक महिला को मिला था जिसके उपलक्ष में, जिसके जन्मदिन पे नर्स डे भी मनाया जाता है। इतना हिंट दे दिए, नहीं पता। मदर टेरेसा। ठीक है। चलिए, रबर प्रकृति का क्या है? एक रबर बहुलक है। एक बहुलक है। गैट का पूर्ण नाम जानते हैं क्या है, बताइए? गैट का पूर्ण नाम, जिसे पूर्व की बात, पूर्ण नाम, नाम पूछ रहे हैं, पूर्ण नाम नहीं नाम। पता। तो हो गया जी से, हो गया जनरल, ए से हो गया एग्रीमेंट, टी से हो गया ट्रेड एंड टी से हो गया ट्रैफिक। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रैफिक, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रैफिक। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर है चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? चकमा कहाँ, कौन सा देश दे रहा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंधित है। और कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और किसका? बोलिए रहे थे एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दोनों का प्रयोग किया जाता है, चलिए अच्छी बात है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का उपयोग किया जाता है? विद्युत, विद्युत चुंबक बनाने के लिए ढलवा लोहा, मृदा लोहा, मृदा लोहा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? टेनिस से, गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से, यानी टी जैसा होकर छड़ी से रहता है, देखेगा ना, तो टी जैसा एकदम रहेगा, लंबा लंबा छड़ी रहेगा गोल्फ खेलने के लिए। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक बेडेन पावेल थे। कौन थे? बेडेन पावेल। पावेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे? ए सेकुलर एजेंडा, ए सेकुलर एजेंडा के पुस्तक के लेखक थे अरुण सौरी। कौन थे? अरुण सौरी। ये बुक है, बुक से भी पूछता है। संपूर्ण संविधान कब लागू हो गया? 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया। इस्पात संयंत्र की वात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा होता है? मतलब इस्पात संयंत्र में जो लोहा कौन सा उत्पादित होता है, मतलब प्रोडक्शन कौन सा होता है? ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? माइक्रोफोन ना पता। बेल ग्राहम। ठीक है। चलिए अब प्रवेश करते हैं हम लोग आरआरबी चेन्नई के 1995 में जो पूछा गया प्रश्न है उसमें प्रवेश करते हैं। सांची का स्तूप कहाँ, किसने बनवाया था? अशोक। कहाँ है, किस राज्य में सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश ऐबक। कौन है? ऐबक। पूर्ण नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलता है, मिलन स्थल का नाम क्या है? नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। लावणी एवं तमाशा किस राज्य की लोक नृत्य है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की है। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? अशोक के। अकबर के दरबारी थे। तानसेन का पूर्ण नाम भी पूछ दिया है, क्या है? राम तनु पांडे। ठीक है, तनुआ से याद रख लिए, राम तनु पांडे। चलिए, लवनी और तमाशा हो गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क है, कंफर्म हो जाइए, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। गेट किसकी जगह, गेट की जगह कौन आ गया है? गेट की जगह WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब आया? 1995। राइट आंसर 1995। एक जनवरी एक तारीख 1995। प्रसिद्ध चीनी यात्री किसके शासनकाल में यहाँ पे आया था, मतलब भारत आया था? डलहौजी के। नहीं, द्वितीय। कौन द्वितीय थे, कमेंट कीजिए आप लोग भी, कौन द्वितीय थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है। मानस दरबारी प्रथा किसने शुरू किया था? मानस दरबारी ना पता। अकबर ने शुरू किया था मानस दरबारी। ठीक है। चलिए,
आगे चलते हैं। एलोरा एवं एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? एलिफेंटा एवं एलोरा किस काल की शैलकृत चैत्य है? प्राचीन राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट, ठीक है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? अपने ही गुरु का वध करवा दिया था। कौन से ऐसे शासक थे? औरंगजेब थे। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949 ईस्वी में। राइट आंसर है आपका। महात्मा गांधी ने किस करो एवं मरो का नारा किस वर्ष दिया था? 1942। कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। चोल वंश नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौ सैनिक शक्ति के लिए। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। बड़ा देश? रूस। चलिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कौन थी, यानी यूपी की राजधानी? फैजाबाद है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री सेलम अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है आपका। इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। इराक की मुद्रा का नाम दिनार है, राइट आंसर है। तो चलिए, अब अगले जो आरआरबी भोपाल में पूछा गया 1995 में जो प्रश्न है उसको देखते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती है? नहीं, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गुजरती है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद है, जिसको रूरल डेवलपमेंट संस्थान का इंस्टीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ठीक है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कोई कोई आंसर भी बोल देते हैं, इसीलिए हंस रहे हैं ना। वो एक लाइन का लीनियर है, उसको क्वेश्चन बनाने में भी थोड़ा सा समय लगता है। खून की कमी किस चीज को दर्शाती है? खून की कमी से लो ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि निम्न हीमोग्लोबिन दर्शाती है, ठीक है। चलिए, रक्त दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंपास के लिए किस मिट्टी की जरूरत होती है? आदर्श मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। बीडी सावरकर ने किस वर्ष विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था? 1917। 1857 की क्रांति को बोला था, यानी भारत का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा था। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है, यानी कौन देश से लिया गया? कनाडा से। ब्रिटेन से लिया गया। पुनः समझौता का लक्ष्य क्या था? पुनः समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुई थी और लक्ष्य क्या था? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था, और नीची जाति को मतलब बढ़ावा देने। कब हुआ था पुना पैक्ट? 1932 में हुआ था। 31 या 32? पुना 1932 में हुआ। चलिए, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। कहाँ हुआ पुना पैक्ट? हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार कैसा हो इसका निर्णय कौन करता है, और उसके सदस्यता का निर्णय कौन करता है? लोकसभा। नहीं, प्रधानमंत्री। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाले गेंद का वजन कितना है? 5.5 औंस। 5.5 औंस होता है। चीन में जो लाल क्रांति की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी और कब हुई थी? 1949 में हुई थी, नेतृत्व न पता। माओ त्योस्तुंग। चलिए, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? मोबाइल नहीं चलाइए। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला राजस्थान है, ठीक है। बजाओ नहीं यार, थोड़ा शांति से डेडिकेशन से पढ़ो। चलो, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? मीठे पानी सुपीरियर झील। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु भारत को विश्व को जीतने वाला सिकंदर जो भारत आके यहाँ पे हार मान गया, ये बेबीलोन में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं आरआरबी अहमदाबाद जो 1995 में पूछा गया, वहाँ पे आते हैं। विटामिन ई किसके लिए अच्छा है? आँख के लिए। गीता सेठ का संबंध किससे है? देखो नहीं, गीता सेठ का संबंध बिलियर्ड्स के लिए। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तुम सुन लो ना, नहीं है तो बिलियर्ड्स क्या है? बिलियर्ड्स कोई अवार्ड होगा शायद, खेल का नाम है। पूछना आरआरबी 1995। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। विटामिन 12 कहाँ पाया जाता है? विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है।
विटामिन टू में विटामिन ट्वेल्व में, 12 में हाँ क्वालिटी 12 में है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में पाया जाता है, है? राज्यसभा की एक तिहाई जगहों को भरने के लिए दो दो प्रत्येक वर्ष में, दो दो वर्ष में में इसका होता होता है। है। एड्स दिवस, हाँ एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पीट संप्रास का संबंध कौन खेल से है? पीठ संप्रास का संबंध टेनिस से, टेनिस से है, टेनिस से। अब एस का मात्रक, एम्पियर घंटा सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक, ये कौन चुनने वाला, एक सेकेंड, ऑप्शन ऑप्शन नहीं याद है, ये श्याम बेनेगल। बेनेगल है, श्याम बेनेगल। फलीदार पौधों की जड़ में क्या कौन बैक्टीरिया पाया जाता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम। एनीमिया किस तत्व के कारण होता एनीमिया, है? एनीमिया आयरन के कारण, हाँ, आयरन आयरन, लौह के तत्व के। कारण होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्ष लोकसभा का कौन अध्यक्ष करता करता है? है, लोकसभा का अध्यक्ष। स्काई पॉलिसी का अर्थ, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ वो वायुयान से संबंधित है, विमान विमान सेवाओं की से अनुमति वायुयान के देता बाद। है। चमगादड़ एक है क्या है? ये स्तनधारी है चमगादड़। स्तनधारी। सात सात वाहन का अभी संबंध, बगला अभी चल रहा है ना, तो हाँ, वो भी बोल महेंद्रु दीजिए। घाट 1995 में जो पूछा है, आरआरबी। चलिए, RRB महेंद्र घाट 1995। सातवाहन का संबंध किस राज्य से है? सातवाहन का ये दो राज, सातवाहन ये हैदराबाद हो गया और एक और राज्य है आंध्र प्रदेश है। हैदराबाद राज है, आंध्र प्रदेश राज है। हाँ दोनों से हो गया। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र से। अच्छा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से, सॉरी आंध्र प्रदेश। शुंग वंश की स्थापना कौन की थी? कौन किए थे ये, यंग सुंग किए थे, पुष्पमित्र पुष्यमित्र सुंग। सुंग किए थे, पुष्पमित्र सुंग। कलहन कृत ये किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है, कलहन कृत, कलहन, राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कलहन का मतलब कलहन बुक का नाम है, राज तरंगिणी बुक का नाम। राजतरंगनी बुक का कलहन आविष्कार किया। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के है, थार जिले के नए गांव में स्थित है, जो भित्ति भित्ति चित्र चित्रों के के लिए लिए फेमस है प्रसिद्ध है। बाघ गुफा। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा कौन बनवाया था? कौन राजा? नरसिंह वर्मन नरसिंह प्रथम वर्मन ने। प्रथम ने बनवाया था। कवि हरिषद समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे। हयसेल कवि हरसेन समुद्रगुप्त के। हैसेल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? शैली का प्रसिद्ध मंदिर हैसे ही नाम है उसका, हेलीविड हेलीवुड में। हेलीविड में है। नवरत्नों का संबंध कहाँ? अकबर से है, अकबर से। अकबर के पंचतंत्र, नौ रत्नों को। अब पंचतंत्र के लेखक ये पंचतंत्र की ये विष्णु विष्णु शर्मा। शर्मा। ओजोन प्रभावित करता है कौन दो ओजोन तत्व? पारा को प्रभावित करता है और चांदी को प्रभावित करता है। ध्वनि का इकाई, ध्वनि का इकाई हटार्ज, मापते हैं डेसिबल में। डेसिबल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन होता है। नहीं होता। मूंगफली में कौन विटामिन पाया जाता है? मूंगफली में बी विटामिन वन। काला पैगोडा कहाँ है? काला पैगोडा कोणार्क कोणार्क उड़ीसा में। मंदिर ओडिशा में काला पैगोडा है। तिराना अलवरिया देश की कहाँ है? राजधानी है, राजधानी है। अलवरिया देश की राजधानी तिराना है। भारत के मुख्य लड़ाकू कौन है? टैंक लड़ाकू अर्जुन, टैंक। अर्जुन टैंक हो गया और प्रथम जो प्रक्षेप अति हो गया, विमान पृथ्वी वाहक अति पोत हो गया, पृथ्वी हो गया ना भी है। पूछिए ना। गुगली शब्द का संबंध किस खेल क्रिकेट से से है? है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम टेनिस से, लॉन लॉन टेनिस। टेनिस से, वही टेनिस से। जोहान वंश का अंतिम शासक, ये जोहान वंश का तृतीय है, कोई तृतीय है, पृथ्वी राज तृतीय। चौहान तृतीय। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत को जीतकर कितना वर्ष राज किया? 100 वर्ष तक राज किया था। इंसुलिन की खोज,
इंसुलिन की खोज दो व्यक्तियों ने, एक ब्रेस्ट ने किया था, एक और कोई नाम है, बेंटिंग और ब्रेस्ट। बेंटिंग और ब्रेस्ट। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इसमें भारत की रैंकिंग है पर्यटन दिवस में 54 है। राज से भी पूछे? नहीं, राज से नहीं। तो ये रहा आज का हमारा 4-5 जो जोन में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो रहा आज का। कैसा लगा आप इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, और सुझाव भी होगा आपके पास तो सुझाव भी दीजिए। अगर इसका PDF चाहिए बुक का तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, SDR क्लासेस सर्च कीजिएगा पटना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा, वहाँ पे पिक्चर दिखेगा, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, या कोई हम लोग गलती कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कुछ सुझाव देना चाहें तो आप हम लोग को कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और आलतू फालतू का कमेंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई, तो आलतू फालतू का जो कमेंट है वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, खुश रहिए, नाराज रहिए, उससे मतलब नहीं है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपको इसमें जुड़ना है, भागीदार बनना है, तो आप लोग बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।